नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु चैनल में। मैं हूं प्रफुल्ल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूं भाई साउथ अफ्रीका और आयरलैंड के बीच होने वाले दूसरे और आखिरी T20 इंटरनेशनल मुकाबले को। भैया अब साउथ अफ्रीका पहुंच चुकी है, इंग्लैंड कर रही थी अपना इंग्लैंड का दौरा, ODI और T20 मुकाबले खत्म हो चुके थे। टेस्ट मैचेस और ODI के बीच अब जो समय बचा था वहां पे आयरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले दो T20 मुकाबलों को इंक्लूड किया गया है और उसी में से ही अब आखिरी मुकाबला होने वाला है। पहला मैच साउथ अफ्रीका ने जीता था 21 रन से, हालांकि 211 रन इन्होंने बनाए थे, 212 रन टारगेट दिया था इन्होंने, 190 रन ठोक दिए थे आयरलैंड ने। और इस लिहाज से अगर देखें तो ये मुकाबला भी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां पर हम कवर करेंगे पिच रिपोर्ट से लेकर साथ ही साथ दोनों टीम की प्रोबेबल प्लेइंग 11 डिस्कस करेंगे और नजर डालेंगे उन खिलाड़ियों पर जो कि बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और आपकी फैंटेसी गेम में भी मददगार साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरकार हम देखेंगे कि क्या दूसरा T20 इंटरनेशनल मुकाबला भी साउथ अफ्रीका अपने नाम करने वाली है या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। चलिए शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट के साथ। दोस्तों काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल में दोनों मैचेस होने थे, पहला मुकाबला हो चुका है, दूसरे मैच की अगर हम बात करें तो यहां पर 8 मैचेस T20 इंटरनेशनल के ऑलरेडी हो चुके हैं इंक्लूडिंग द लास्ट वन। 3 मैचेस फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं और 5 मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के नाम रहे हैं। हालांकि साउथ अफ्रीकन टीम को देखते हुए जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड को हराया इंग्लैंड की धरती पर और पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड पर जीत दर्ज करी है, नो डाउट साउथ अफ्रीका अगर पहले बैटिंग भी करती है तो दूसरा मुकाबला भी जीतने की हकदार है। टॉकिंग अबाउट दी एवरेज स्कोर, फर्स्ट इनिंग का 161 के आसपास रहता है और वहीं हाईएस्ट स्कोर चेज की अगर हम बात करें तो इंडिया ने चेज किया है 201 रन 3 विकेट पर। तो ये तो हुई बात पिच रिपोर्ट की, बढ़ते हैं दोनों टीम्स की ओर। उससे पहले भाई कैप्टन्स वंस अगेन टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना जरूर पसंद करेंगे जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड। बात करी जाए आयरलैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तो दोस्तों बहुत ज्यादा चेंजेस हमें नजर नहीं आ रहे हैं, टीम सॉर्टेड नजर आती है। पॉल स्टर्लिंग, एंड्रू बॉलबर्नी, हैरी टेक्टर, लॉकन टकर, गैरेथ डेलिनी, कर्टिस कैम्फर, जॉर्ज डॉकरेल, मार्क अडायर, बैरी मैकार्थी, एंडी मैकब्रिनी और जोशुआ लिटिल खेलते नजर आ सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों टॉप ऑर्डर में पॉल स्टर्लिंग और एंड्रू बॉलबर्नी की जोड़ी कितनी कारगर साबित होती है वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि टॉप ऑर्डर अगर रन स्कोर करेगा तो डेफिनेटली मिडिल ऑर्डर को सपोर्ट मिलने वाला है, जैसे कि हैरी टेक्टर और लॉकन टकर जिन्होंने पिछले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करी थी और गैरेथ डेलिनी ने भी उमदा गेंदबाजी करी थी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो टीम सॉर्टेड नजर आती है, कहीं ना कहीं सरप्राइजिंग एलिमेंट भी हमें देखने को मिल सकता है। बात करी जाए गेंदबाजों की तो यहां पर दोस्तों बैरी मैकार्थी मौजूद है, एंडी मैकब्रिनी है, जोशुआ लिटिल काफी उमदा फॉर्म में नजर आ रहे हैं, कर्टिस कैम्फर भी शानदार गेंदबाजी करते हैं, तो बॉलर्स के भी ऑप्शन काफी ज्यादा दिखाई देते हैं। अब बात करी जाए की प्लेयर्स की, इन 11 खिलाड़ियों में आखिर वो कौन से की प्लेयर्स हैं जो कि इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। पॉल स्टर्लिंग की बात करें तो पहले मैच में 18 रन इन्होंने बनाए थे 163 के स्ट्राइक रेट से और इन्हें फिर सपोर्ट मिला था लॉकन टकर का जिन्होंने 74 रन बनाए थे 139.62 की स्ट्राइक रेट के साथ। तो ये दो बल्लेबाज एक बार फिर रन स्कोर करते हमें नजर आ सकते हैं। इनके बीच में हैरी टेक्टर भी अहम भूमिका निभा सकते हैं, पहले मैच में सफल नहीं रहे थे लेकिन दूसरे मुकाबले में इनका बल्ला रन स्कोर कर सकता है। बात करी जाए जॉर्ज डॉकरेल की तो दोस्तों लोअर मिडिल ऑर्डर में इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी थी, डॉकरेल ने रन स्कोर करे थे और इस लिहाज से देखा जाए तो एक बार फिर इन पे भरोसा किया जा सकता है। वही बात अगर इनके बॉलर्स की करें तो दोस्तों मार्क डायर से लेकर जोशुआ लिटिल, बैरी मैकार्थी सभी ने ही अच्छी गेंदबाजी करी थी, लेकिन जोशुआ लिटिल थोड़े महंगे जरूर साबित हुए थे, 1 विकेट निकाला था इन्होंने लेकिन महंगे थोड़े से रहे थे। वहीं ऑन दी अदर हैंड बात करी जाए यहां पर गैरेथ डेलिनी की तो 10 की इकोनॉमी के साथ इन्होंने 2 विकेट अपने नाम करे थे। तो ओवरऑल ये कुछ ऐसा समझ में आता है कि बॉलिंग अटैक साउथ अफ्रीका के खिलाफ थोड़ा सा कारगर साबित नहीं हुआ है, थोड़ा बैकफुट पे नजर आता है, बट दे हैव एटलीस्ट 6 or 7 बॉलर्स, वेरिएशन अच्छा है, तो एक बार फिर साउथ अफ्रीका की परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट दी प्रोटीज, भाई साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों की और गेंदबाजों की अगर हम बात करें तो यहां पर क्विंटन डिकॉक, रीजा हेंड्रिक्स, रसी वेंडरडुसे, एडिन मार्क्रम, हेनरी क्लासेन, क्रिस्टन स्टब, वेन परनेल, वेन प्रिटोरियस, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी और तब्रेज शामजी हमें खेलते नजर आ सकते हैं। दोस्तों डेविड मिलर का भी ऑप्शन यहां पर मिलता है टीम को और ऐसे में यहां हेनरी क्लासेन की जगह डेविड मिलर हमें खेलते नजर आ सकते हैं। बट टॉप ऑर्डर की अगर हम सबसे पहले बात करें, नॉट टू बी वेरी स्पेसिफिक, टॉप ऑर्डर में क्विंटन डिकॉक का तो बल्ला आईपीएल के बाद से चला नहीं है, रीजा हेंड्रिक्स ऑन दी अदर हैंड बैक टू बैक 4 T20 में हाफ सेंचुरीज चढ़ चुके हैं,
और इन्हें अच्छा सपोर्ट मिल सकता है रसी वेंडर टूसे का, जो कि मिस्टर डिपेंडेबल है साउथ अफ्रीकन टीम के। कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर ये बखूबी संभाल सकते हैं अलॉन्ग विद एडन मार्करम। दोस्तों एडन मार्करम ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी हुई है और क्रिस्टन स्टब्स इनका लोअर मिडिल ऑर्डर संभाल सकते हैं। और गेंदबाजों की अगर हम बात करें तो केशव महाराज, तबिज शामजी के पास भरपूर एक्सपीरियंस है और जिसका फायदा साउथ अफ्रीकन टीम उठा सकती है। और इस लिहाज से अगर हम की प्लेयर्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो रीजा हेंड्रिक्स आ जाएंगे, जिन्होंने पहले ही मैच में 74 रन बनाए थे 139.62 की स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं एडन मार्करम की अगर हम बात करें तो 56 रन इनके खाते में आए थे 207 की स्ट्राइक रेट के साथ। तो ये दो बल्लेबाज डेफिनेटली एक बार फिर धमाका मचा सकते हैं अलॉन्ग विद रसी वेंडर टूसे। अब दोस्तों क्रिस्टन स्टब ने पहले मैच में 24 रन की पारी खेली थी लेकिन बड़ी तेजी से रन स्कोर कर रहे थे 218 के स्ट्राइक रेट से, तो यहाँ पर इनकी भूमिका भी अहम हो सकती है। टॉकिंग अबाउट दी बॉलर्स, भाई यहाँ पर गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि अगर हम देखें इनका एक्सपीरियंस अभी काफी समय से चल रहा है, इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी में ऑलरेडी देखने को मिली है। तो केशव महाराज 2 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं 7.20 की इकोनॉमी के साथ और इन्हें अच्छा सपोर्ट मिला था। तबरेज़ शामजी का जिन्होंने 2 विकेट निकाले थे 9.20 की इकोनॉमी के साथ। तबरेज़ शामजी और देखा जाए तो यहाँ पर वेन परनेल दोनों ही थोड़े महंगे साबित हुए थे, 9 के आसपास की इकोनॉमी रही थी लेकिन 2-2 विकेट इन्होंने भी चटके हैं। वेन परनेल के हाथ भी 2 विकेट लगे थे तो गेंदबाजी सॉर्टेड नजर आती है, थोड़े से रन बचाने की जरूरत होगी। लुंगी एनगिडी ने मात्र 1 विकेट लिया था लेकिन इकोनॉमी रही थी 9.80 की। तो भाई ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर समस्या तो डेफिनेटली खड़ी हो सकती है साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की भी, कंसिडरिंग द ट्रैक बैट्सर्स को ज्यादा सपोर्ट करता नजर आ रहा है। अब दोस्तों बारी आती है कि आखिर कौन सी टीम ये मुकाबला जीत सकती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें साउथ अफ्रीकन टीम के चांसेस एक बार फिर ज्यादा नजर आ रहे हैं। थोड़ी सी हर्डल जरूर होंगी आयरलैंड की तरफ से लेकिन साउथ अफ्रीका ये मुकाबला जीतने की प्रबल दावेदार है। आपके अकॉर्डिंगली दोस्तों कौन सी टीम नजर आ रही है यहाँ पर जीतती हुई, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो पे लगाते हैं लगाम, फिर हाजिर होगा एक और एनालिसिस और क्रिकेट की तमाम अपडेट्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।